तो ये देखें फाइनली हम मज़ार पे आ चुके हैं। ये इंटरेस्ट है, ये देखें माशाल्लाह सहन मुबारक, देखें कितना खूबसूरत और पुरसकून माहौल। फाइनली हम दरबार में आ चुके हैं मज़ार के अंदर। ये देखें माशाल्लाह, ये हमारे वली हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा माहौल। और ये देखें वेदर, देखें अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे, आपका भाई भी खैरियत से है और अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कर रहा है आपकी तरह। तो वेलकम हो गया आपके भाई के न्यू व्लॉग में यार। यार आज का जो व्लॉग है ना वो ये है कि कल हम गए थे बाबा शाहबराम दरबार पर, तो आज हमने जाना है चादर वाली सरकार पर। ये भी मुल्तान का तारीखी दरबार है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपको इधर के मुल्तान के तारीखी दरबार सारे विजिट कराऊंगा, आप भी हाजिरी करना और मैं भी हाजिरी करूंगा। बहुत अच्छा लगेगा। कहां पे? चादर वाली सरकार। होया हो यार आप। क्या मतलब होया? चल खड़ो यार, मैं नहीं जा रहा भाई। होया क्या मतलब मैं नहीं जा रहा? तू पागल तो नहीं है यार? दरबार में जाने से मना करा तो जाहिल तो नहीं है? हो गया है वो पिछले दिनों भी। तो तू हो गया है यार, चल ना बीबर को भी घुमाए यार, हम भी घूमे, क्या कहानी है यार? सर मैं दर्द थोड़ा हो यार। यार चल जाना हमारे घर यार, खड़ो चल दो ये मोबाइल खड़ो। वजू भी थोड़ा बाद, मैंने वजू किया हुआ था पता तुझे? हाँ जी वजू है, वैसे नहीं आपका रहता, टूट देता आपको ही पता। यार मैंने वजू किया था, इसने जाहिल इंसान है, गाल नहीं करवाते, मुझे दोबारा वजू करना पड़ेगा। चल अब तुमने किया वजू? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बावजू ही है। ओ ओ ओ ओ झूठ कितना बोल रहा है यार, शर्म नहीं झूठ बोलते यार। धूप देखियो, सुबह सुबह का टाइम, सुबह सुबह का टाइम यार, दरबार पे जाने का जोर। इस टाइम सुकून.com से यार इबादत भी हो जाएगी थोड़ी बहुत यार, मतलब इबादत यार नमाज वगैरह पढ़ लेंगे जोर की, वहाँ टाइम तो हुआ है। नमाज भी पढ़ेंगे यार, जोर की नमाज वगैरह पढ़ लेंगे यार। ये कैसा बंदा है यार, चलो यार उधर दिखा भी देंगे सब कुछ, जरा तारीख वगैरह ही बता देंगे। आप जरा ज़हीन हो ना, इसलिए मैं लेके जा रहा हूँ। ज़हीन हो ना? पंप है? पंप करा दिया। कौन सा पंप? ज़हीन। यार तो ज़हीन नहीं है, तो अपने आप कहता नहीं कि मैं ज़हीन हूँ भाई, बताओ आप कहते नहीं? मैं नहीं कहता। यार कितना झूठा इंसान है। शर्ट पे जाएंगे, बाइक आप चलाओगे? बाइक मैं नहीं चलाऊंगा, बाइक आप चलाओगे? बाइक आप चलाओगे। अच्छा हर दफा मैं चलाता हूँ भाई, आज धूप हो रही है। अच्छा चल मैं चलाता हूँ, मैं चलाता हूँ। बाइक की चाबी कहाँ है? चाबी उठा पाए की चाबी को कुड़ो मुकुड़ो, चाबी 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 चाबी, ये रिश, ये लो चाबी आ गई है। चलो फिर लाइटें वगैरह बंद कर लो, बस भाई जगह कर लेंगे, क्या ख्याल है? ये लो चाबी पकड़ लिया, और चाबी जल्दी आ जाओ। चल भाई मर्सिडीज हमारी मैंने पहले से निकाले खड़ी कर दी थी, ये देखो बाहर खड़ी है ये, ठीक है? तो अभी बाइक में चलाऊं पक्की बात है, तो देख लो सोच लो एक दफा। तो क्या हो गया यार, सोच ले फिर भी, कुछ ना कुछ हो सकता है आगे। नहीं दुआ पढ़ लीजिए। चलो ठीक है चले फिर अब। चलो व्यूअर्स निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके, ठीक है? बाकी बाइक में चलाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके हम घर से निकल चुके हैं और फाइनली हम कैंट वाले फ्लाईओवर पे पहुंच चुके हैं और वेदर आपके सामने है माशाल्लाह, आया है लेवल वेदर। तो कैंट से उतरना है हमने डेरेडे वाली साइड पर, डेरेडे फाइनली हम पहुंच चुके हैं। डेरेडे से आपने सीधा जाना है हसन परवाने वाली साइड पर, हसन परवाने से आपने राइट हो जाना, सॉरी लेफ्ट नहीं राइट हो जाना, राइट होएंगे आप सामने ही दरबार आ जाएगा। हम पहुंच चुके हैं, मतलब आ गए खैर खैरियत से। गंदी बाइक चलाई है तुमने, एंड कर दी। इस वजह से मैं कह रहा था कि आपको डर लगेगा, तो यार ये देख लें माशाल्लाह मज़ार मुबारक, आपको सारा आपका बाइक अंदर से ही पूरा दिखाएगा, बाहर से भी एक डिटेल बताएगा। बहुत अच्छा लगेगा। बाकी नमाज का टाइम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फाइनली हम पहुँच चुके हैं, वो देखें जमात हो रही है अंदर, जैसे मैंने वो कहा था कि वहाँ जाकर नमाज पढ़ेंगे। देखें भाई वजू कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं हम भी नमाज वगैरह पढ़ें, ठीक है ना भाई? पढ़ें ठीक है, चलो वजू स्टार्ट करो जी। मैं भी नमाज वगैरह पढ़ लूँ यार, इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आपको सारा विजिट करा दूँ। वो आपको बताया था मैंने वजू दोबारा करना पड़ा, तो अहमद भाई ने वजू कर ली है, ठीक है? टोपी शरीफ रख लो अहमद भाई, टोपी रख लो, अपनी अपनी उठा लो तुम, ठीक है? आज अंदर आज जमात भी तकरीबन ख़त्म ही होने वाली है, देखें मांगने वाले लग रहे हो? मांगने वाला लग रहा हूँ यार, बात तो सही है। गर्म गर्म वजू के साथ मेरे बहस, तो यार जमात हो रही है, ठीक है मैं नमाज वगैरह पढ़ लूँ। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली है। अहमद भाई वो टोपी रखने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप वो क्या कहते हैं, मैं दरबार का विजिट करवाता हूँ, मज़ार का पूरा विजिट करवाता हूँ। तो ये देखें ये मज़ार है, उधर क्या कहते हैं वजू खाने का बनाया हुआ है, ठीक है? मैं ऊपर से भी आपको विजिट करवाता हूँ। ये देखें ये हमारा मज़ार है चादर वाली सरकार का, हमारे बुजुर्गों का, पीर और मुर्शिद का। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह बहुत ही रौनक मेला और कितनी सुकून पुरसकून जगह माशाल्लाह। ये देखें कितनी प्यारी सजावट की हुई है माशाल्लाह। ये देखें सैयद वली मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह वाली नक्शबंदी, देखें माशाल्लाह
इधर भी मेरे ख्याल उर्स मुबारक हुआ है, तो इसकी वजह से इधर भी माशाल्लाह चादर वगैरह चादर मेरे ख्याल चादर वगैरह भी चढ़ाई हुई है। तो माशाल्लाह यार इवन तारीखी है मुल्तान का, ये भी सर्च करो फिर भी आता है। और क्या कहते हैं इसके इसके बारे में ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, ऐसे मैं आपको बताऊँ, लेकिन मैं आपको विजिट सारा करवा दूँगा। ये देखें लकड़ी की चौखाटें हैं, ये देखें लकड़ी के दरवाजे हैं। मैं अगर हूँ आज के दौर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिस तरह इनका काम हो। लकड़ी का देखें माशाल्लाह कितने प्यारे दरवाजे बनाए हुए हैं, सारा आपको विजिट करवाता हूँ माशाल्लाह। ये देखें ये मज़ार मैंने आपको करवा दिए यहाँ से विजिट, ठीक है। ये साइड पर मस्जिद है, वो भी अटैच ही है तकरीबन, वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाता हूँ। तो यार ये देखें ये सारा तकरीबन यहाँ से ये मज़ार है, ये भाई का व्यू करवाता हूँ आपको। देखें माशाल्लाह सैयद वली मोहम्मद शाह सानी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा यार व्यू है, बहुत ही प्यारी जगह है माशाल्लाह, पुरसकून। ये दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें इतना पुराना दरवाज़ा ना, ये इतना पुराना दरवाज़ा है कि ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मजबूत। और मैं कह रहा हूँ पुराने ज़माने की चीज़ें अंग्रेज़ों के आदि मेरे ख्याल ये बने हुए हैं दरवाजे वगैरह, तो माशाल्लाह ऊपर भी कोशिश करता हूँ मैं ऊपर का ही विज़िट करते हैं। चले हम कहीं ऊपर, हाँ ऊपर का भी दिखा देते हैं यार। ये वज़ू खाना है जहाँ हमने वज़ू वगैरह किया, नमाज वगैरह इधर पढ़ते हैं, ठीक है। ये सहन मुबारक है माशाल्लाह, सहन है सारा, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर का भी आपको दिखा। यार देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा वेदर हुआ है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ यार, असल में यहाँ ना ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, हो गया। बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है यार, और व्यू भी देख लें। और ना क्या कहते हैं, मैं आपको ना बाहर से भी दिखाता हूँ, बाहर से भी कोशिश करता हूँ मैं चारों कोने, और बाहर से जाकर दूर से भी मैं आपको मज़ार का बाहर का व्यू भी दिखाता हूँ, ठीक है। अंदर का तो मैंने दिखा दिया, चले अहमद भाई बाहर की तरफ। चलो मैं ऊपर चढ़ा था, ये देखें मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, तो नीचे जाके बाहर का आपको व्यू दिखाता हूँ, बाकी अल्लाह मेहनत करेगा। मज़ार का तो आपने व्यू तकरीबन कर ही लिया, बहुत ही बड़ा मज़ार और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। अल्लाह पाक यहाँ सबको हाज़िरी करना नसीब फरमाए, हमारे बड़े टाइम बाद हाज़िरी हुई। हालांकि हम मुल्तान में रहते हैं, लेकिन वो बदनसीब है ना, हमें हाज़िरी नसीब नहीं होती। आज मैं आपको भी दिखा दिया, मैंने खुद भी मज़ार पर, अब सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ार भी है उधर भी जाएँगे इंशाल्लाह। अब जो तकरीबन व्लॉग है ना, वो सारे मज़ारों पर पहले हाज़िरी करेंगे, फिर कोई और बात सोचेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर आया हूँ सिर्फ आपको दिखाने की वजह से, मैंने कहा आपको बाहर से भी नज़ारा करवा दूँ कि माशाल्लाह कितना प्यारा लगता है, चारों तरफ भी दिखा दूँ। तो ये देखें माशाल्लाह, ये पूरा अंदर से नज़र नहीं आ रहा था ना, तो ऊपर से वो कहते हैं भाई नीचे ये कहते हैं मज़ार है, ऊपर तो जाना मना है, बस ज़रूरत के वक्त जाते हैं, इस वजह से ज़्यादा मसला है। तो ये देखें माशाल्लाह इस गली में भी लगता है मज़ार मुबारक, तो इधर गली से भी सारा माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। यार हमने यार हाज़िरी भी कर ली है और आपको भी दिखा दिया, चले अहमद भाई अब बस अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। बाहर से भी आपको दिखा दिया, अंदर से भी आपको दिखा दिया, अल्लाह की हाज़िरी भी कबूल फरमाए। आप भी यार वीडियो में देख लेना, और जो भाई आना चाहे तो मैंने लोकेशन भी सारी मेंशन कर दी है। तो ठीक है व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।